अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके जी, आज आखिरी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं IFRS 15 का, जिसका नाम है वेरिएबल कंसिडरेशन। हेडिंग डालने अपने पास भाई। अच्छा जी, पहले तो नाम से ही आपको दिख रहा है कि भाई वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि ऐसी कंसिडरेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, कि ऐसी कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है। सही जी, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूँ एक इसकी। भाई आपने कहा कि आप एक कंपनी है और आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग करती है। हमने कहा हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन की। सही जी, आपका कस्टमर आपको कह रहा है, सही जी, आपका कस्टमर आपको ये कह रहा है कि भाई अगर आपने ये बिल्डिंग 2 साल से पहले बना दी, सही जी, वापस सुनिएगा। एक तो फिक्स कंसिडरेशन है, वो बोल रहा भाई ये तो तुम मुझसे लेना ही लेना, यानी वो कह रहा है कि भाई मैं आपको 50 मिलियन दे रहा हूं बिल्डिंग बना दो। 50 मिलियन कौन सी कंसिडरेशन हो गई जल्दी बताओ? 50 मिलियन कौन सी कंसिडरेशन हो गई बताओ? हाँ भाई, फिक्स हो गई। ऐसा ही, ये तो फिक्स हो गई। 50 मिलियन तो बोल रहा है तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो बात पत्थर पे लकीर हो गई, लॉक हो चुका है। अब वो कह रहा है कि भाई बिल्डिंग अगर आपने 2 साल से पहले कंप्लीट की। आवाज बेटा सही आ रही है? गवेश आप मतलब आवाज तेज कर लेना अपनी। सही जी, सुने फोकस के साथ। बिल्डिंग अगर आपने 2 साल से पहले बना दी, तो वो कह रहा है कि जितने दिन सेव होंगे, हाँ भाई क्या कह रहा है वो, जितने दिन सेव होंगे तो पर डे के हिसाब से ₹10,000 और मिलेंगे। अच्छा चलें, अब मुझे जरा फोकस होके बात बताएं आप सब बच्चों। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, कस्टमर आया, कस्टमर कह रहा है मुझे बिल्डिंग बना दो। आप मुझे जरा एक बात बताएं, जब वो बिल्डिंग बनाने को कह रहा है तो क्या वो एक फिक्स कंसिडरेशन देने को तैयार है, जो कि मिलना ही मिलना है? हाँ जी जल्दी बताओ, जो कि मिलना ही मिलना है, ऐसा ही है। अच्छा अब वो कह रहा है कि भाईजान मैं आपको और पैसे दूंगा, बशर्ते कि आप ये काम 2 साल से पहले कर लें। तो मैंने कहा 2 साल से पहले, कितना पहले? उसने बोला भाई जितने दिन पहले खत्म करोगे तो हर दिन के हिसाब से आपको ₹10,000 मिलेंगे। तो ये कौन सी कंसिडरेशन हो गई जल्दी बताओ, ये कौन सी कंसिडरेशन हो गई? वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अच्छा अब IFRS 15 आपको ये कहता है, हाँ जी IFRS 15 आपको ये कहता है कि आपको रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। हाँ जी, आपको रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। सही जी, और आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी बताओ क्या चाहिए होती है भाई? कंसिडरेशन या ट्रांजैक्शन प्राइस। ऐसा ही है, कंसिडरेशन या ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि भाई IFRS 15 आज तक जो मैंने आपको सिखाया, वो कह रहा था कि 50 मिलियन को रिकॉर्ड कर लो। क्या हमने आज तक वैसे ही 50 मिलियन रिकॉर्ड किया था, चाहे वो ऑन टाइम किया हो या ओवर टाइम किया हो? याद आ रहा है, याद आ रहा है भाई? या तो पॉइंट इन टाइम किया था या ओवर टाइम किया था। अब पंगा इस 50 मिलियन का नहीं है। वो कह रहा है कि भाईजान ये जो आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन है, ये वाली क्या इसको रेवेन्यू का पार्ट बनाना है, रेवेन्यू का पार्ट बनाना है? तो जवाब आता है यस, बट कब, कंडीशन है। वो कहता है इस वेरिएबल कंसिडरेशन को आप रेवेन्यू का पार्ट बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा।
सब्जेक्ट टू कि ये कंसिडरेशन के विन करने के चांसेस आपके क्या होने चाहिए, प्रोबेबल होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी हो कि आप ये चीज अचीव कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है, यहां तक बात समझ आ रही है कि प्रोबेबिलिटी हो कि आप ये चीज कर लेंगे। चलें अब आगे, इसी के आगे एक चीज लेके चलते हैं, अब मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। केस वन जो मैं कह रहा हूं यहां पे आपको बता भी रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, उसको कहते हैं हम मोस्ट लाइकली आउटकम। सही जी, बहुत फोकस होके देखिएगा, हम बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली आउटकम की। अच्छा वो कह रहा है कि भाई 30% चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं कि ये जो काम है 25 दिन पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा और 70% चांसेस हैं कि ये काम 20 डेज बिफोर खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूँ या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इनमें से कौन से डेज उठाने चाहिए। सर देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली जो हो सकता है। तो अब अगर मैं रेवेन्यू की रिकॉग्निशन कर रहा हूँ तो मैं ये उठाऊंगा। अच्छा तो क्या मैं ये कर सकता हूँ मेरे बच्चों, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस 20 डेज को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जल्दी बताओ कितना आया, जल्दी बताओ कितना आया 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो 2,00,000 रुपए। अच्छा अब इस 2,00,000 रुपए को मैं अपनी एक चीज मानूंगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा अब मेरे बच्चों अगर आप ओवर द पीरियड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हुए, बात समझिएगा, अब अगर आप ओवर द पीरियड रेवेन्यू रिकॉर्ड करने लगे थे तो आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन की जो परसेंटेज होती है, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या आप वो 50 मिलियन पे लगाओगे या 50 मिलियन में ये 2,00,000 रुपए भी ऐड करोगे, जल्दी बताओ। ऐड कर देंगे, वेरी गुड, बट कंडीशन है ये ऐड एक सूरत में करना है, जब आपको लगे कि आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तब। पहले बताओ ये बात समझ आती है, तो बस इसका ख्याल रखना है एग्जाम में, इस चीज का ख्याल रखना है आपने एग्जाम में। अच्छा भाई इसको कॉपी करें यहां तक तो फिर हम आगे लेके चलते हैं, जल्दी से। यस बिल्कुल प्रताप, अच्छा वैसे जो इसमें चांसेस है ना वो आपके होने चाहिए 75% प्लस। रीजन है इसके पीछे रीजन ये है कि देखें भाई आप जब एसेट रिकॉर्ड करते हैं वो तो वर्चुअली सर्टेन भी करते हैं ना, तो जब वर्चुअली सर्टेन होगा ना कि आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो ही आप ये कीजिएगा। मतलब वर्चुअली सर्टेन कह रहा हूं मतलब आप सर्टेन हो तो ही कर लीजिएगा, सही है। वर्चुअली सर्टेन, सर्टेन में तो आपको 100% पता हो जाएगा, तो वर्चुअली सर्टेन की हम बात करते हैं जिसमें 75% प्लस चांसेस होते हैं।
हाँ जी स्क्रॉल डाउन करूँ भाई। लास्ट में जो पॉइंट इन टाइम वाली बात बताई, देखो मैं कह रहा हूँ अगर पॉइंट इन टाइम भी होगा तो मतलब मैं आखिर में जाके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूंगा ना, जब मैं सारी चीजें पूरी कर लूंगा, ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि तब भी जब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो मैं ज्यादा ही बुक करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने टाइम से पहले काम खत्म कर लिया। और अगर मैं ओवर टाइम कर रहा हूंगा तो मुझे उसका अंदाजन रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना पड़ेगा एस्टिमेट के हिसाब से। तो वो एस्टिमेट आपने देखना होता है कि मोस्ट लाइकली आउटकम, तो मैं 30% तो जाऊंगा ही ना, क्योंकि 70% चांस है कि मैं 20 दिन में कवर कर लूंगा, तो मैं उस पर चला गया। क्लियर है ये बात? तो अब यही 2 लाख रुपए की जो अमाउंट है, या तो आप ओवर द पीरियड पूरे रेवेन्यू के साथ बुक करेंगे या तो आखिर में बुक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या ओवर द पीरियड। हाँ जी यहाँ तक कॉपी हो गया। स्क्रॉल डाउन यही है, अगले पेज पे चलें। हाँ जी अगले पेज पे चलें। फराज ये ले लो भाई। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख देना समझने के लिए, आपका जो वर्चुअली सर्टेन होता है ना तो वो 90% प्लस पे होता है, और 100% पे आपका ऑब्वियसली सर्टेन हो जाता है। तो इफ यू आर सो श्योर कि भाई आप ये अचीव कर लेंगे तो आप वर्चुअली सर्टेन है कि कर लेंगे। देखें मैंने अभी आपको IS-1037 नहीं पढ़ाया ना, सही है? तो IS-1037 आपको ये कहता है कि जब आपके चांसेस 50% प्लस हों, जब आपके चांसेस 50% प्लस हों तो आप कहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं ये अचीव कर लूंगा। सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी है कि मैं ये अचीव कर लूंगा। अच्छा मसला ये है कि प्रोबेबिलिटी जब होती है तो वो कहता है लायबिलिटी के केस में तो इसको आप क्या करना, रिकॉर्ड कर लेना, बट एसेट के केस में वो कहता है भाई रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने कहा भाई एसेट के केस में फिर कब रिकॉर्ड करूं, उसने बोला एसेट के केस में तब रिकॉर्ड करना जब वर्चुअली सर्टेन। तो मैंने आपसे पूछा स्नेहा कि वर्चुअली सर्टेन कब होगा। हाँ जी जब 90% या उससे ज्यादा हो, ऐसा ही है। तो आप कहते हैं कि भाई एसेट के रेवेन्यू के बुक करने पे जरा ना पाबंदी है। क्लियर है? तो अगर आपको एग्जामिनर लिख के दे कि ये वेरिएबल कंसिडरेशन है और एंटिटी सर्टेन के वो अचीव कर लेगी तो सर्टेन पे करना, ये अगर लिख के दे इट इज प्रोबेबल के वो अचीव कर लेगी तो नहीं करना। क्लियर है? ओके जी। अब अच्छा एक तो ये हो गया था केस वन आपका, एक तो ये हो गया था केस वन आपका। अब हम आते हैं केस टू के ऊपर। मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज,
तो वो कहता है भाई सारी प्रोबेबिलिटीज का एक आप अंदाजन वेटेड एवरेज ले लें ताकि वो सबका रिप्रेजेंटेटिव हो, सबका रिप्रेजेंटेटिव हो। अच्छा ऊपर बच्चे मुझे बताओ क्या मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज थी या दो प्रोबेबिलिटीज थी, जल्दी बताओ। दो प्रोबेबिलिटीज थी, वेरी गुड। तो मैंने उसमें से दोनों को सेलेक्ट किया या मोस्ट लाइकली, हाँ जी दोनों को सेलेक्ट किया या मोस्ट लाइकली, हाँ जी जल्दी बताओ सर। मोस्ट लाइकली सेलेक्ट किया। अच्छा व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ आपको एग्जामिनर बोले 5% चांसेस हैं कि ये हो जाएगा, 7% चांसेस है ये हो जाएगा, 12% चांसेस है ये हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे एक आउटकम है या मल्टीपल आउटकम्स हैं? मल्टीपल आउटकम्स हैं। तो वो कहता है मल्टीपल आउटकम के केस में योर एस्टिमेट शुड बी रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी। तो आप इसमें मोस्ट लाइकली पे जा ही नहीं सकते, तो आपने क्या करना है हर एक प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल लेना है। कैसे लेना है आईएनजी बताते हैं। तो हमने कहा कि भाई रेफर नेक्स्ट पेज, हमने कहा दूसरे पेज को रेफर कर लें भाई, आ जाए इधर। इस सवाल को रीड करते हैं पहले, सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई ऑन अक्टूबर 1, 2017 जुबैर लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ प्लांट फॉर अनुराधा लिमिटेड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ 750। बताओ ये 750 क्या है? नहीं गलत, देखो बिस्मा दो गलत इंटरप्रिटेशन करके, भाई बिस्मा कह रही है कि सर 70% चांसेस है, प्लीज सुनिएगा, बिस्मा कह रही है कि सर 70% चांसेस है तो आपने क्यों रिकॉर्ड किया? मैं कह रहा हूँ 70% चांसेस अचीव करने के नहीं है, 70% चांसेस हैं कि मैं 20 दिन पहले कर लूंगा, पर टारगेट से पहले हो जाएगा उसके चांसेस 90% से ज्यादा हैं। बिस्मा दोनों में फर्क समझ आता है? देखो बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं टाइम से पहले कर लूंगा वो एक अलग प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि आया कि उस टाइम से पहले भी कितना, तो ये अलग प्रोबेबिलिटी है। सही है, क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन कर लो, बाकियों को भी क्लियर है ना? तो ये वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके गुड, आगे। अच्छा आप लोग मुझे बता रहे थे कुछ कि ये वाली जो 750 की कंसिडरेशन ये क्या है, जल्दी बताओ ये 750 की कंसिडरेशन क्या है? ये फिक्स है, सही जी, ये फिक्स हो गई। ओके आगे। अब वो कह रहा है कंपनी हैज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कंपनी विल हैव टू पे 400 पर डे एज पेनल्टी। यानी देखो अगर मैंने डिले किया तो मैं पेनलाइज हूंगा, मैं पेनल्टी पे करूंगा। पर आगे इफ द कंपनी बिल्ड्स द एसेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कंपनी विल गेट 400 पर डे सेव विद इन 6 मंथ्स। यानी वो कह रहा है 6 महीने से पहले जितना भी आपने काम सेव किया उस पे आपको पर डे के हिसाब से 400 रुपये मिलेंगे। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब वो ये कह रहा है कि भाई एट रिपोर्टिंग डेट कंपनी ने अब तक कॉस्ट टू डेट इतनी लगा दी है और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ये वाली है। क्लियर है? आगे सुनिएगा, वो कह रहा है कि भाई द कंपनी हैज डेवलप द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। ये मैट्रिक्स बनाया है कि भाई वेरिएबल कंसिडरेशन क्या मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आए देखें, वो कह रहा है कंप्लीशन अर्ली बाय 21 डेज। वो कह रहा है इसके कितने परसेंट चांसेस है, जल्दी बताओ। हाँ जी 6%। अच्छा अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे खाली ये बताते रहें 6% चांसेस हैं कि 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे बताओ 6% × 21 करो कितना आता है? ओके 7% × 18 डेज करो, फिर 1.26, 8% × 16 करो 1.28, 10% × 12 करो 1.2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये कितना आ गया 1.5,
इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया जानी, ये भी 1.1.44, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करने जानी 1.1, और इसको मल्टीप्लाई करें 0. अच्छा ये तो 0 हो गया। अच्छा अब मैं अगर इन सबको प्लस कर दूं, क्या आपको एवरेज डेज मिल गया, एवरेज डेज सारी प्रोबेबिलिटीज के साथ, एवरेज डेज विद ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी, तो करीब करीब तो पहुंच गए ना, करीब करीब तो पहुंच गए। हाँ जी ये आ गया 9.46। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी कारिस्तानियां कारनामा क्यों हो रहा है, जरा इस बात की लॉजिक भी समझ लो। देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो आगे जाके कोई भी डेज होंगे मैं सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, तो नहीं बता सकता, तो आपने उस वेरिएबल कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ हिस्सा तो इस पीरियड में बुक करना है ना, क्योंकि वो भी तो पार्ट है ना रेवेन्यू का। तो वो कह रहा है कि भाई रेदर देन तुम किसी एक पे जाओ, तुम सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी एक साथ इनकॉर्पोरेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आखिर में जाके तो वो एक्चुअलाइज हो ही जाएगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी जल्दी बताओ यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि आखिर में जाके वो एक्चुअलाइज हो ही जाएगा। चलें अब मैं आपसे पूछूं अगर बात, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं रेवेन्यू रखूं यहाँ पे, रेवेन्यू, तो प्लीज आप मुझे गाइड करें, रेवेन्यू में फिक्स पोर्शन कितना था, फिक्स पोर्शन कितना था जानी, 750, 750 का, चलें मान लिया 750। अच्छा क्या वेरिएबल डालूं, वेरिएबल डालूं इसमें? अच्छा तो मैं 9.46 को 400 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा है? ऐसा है भाई? 3784 कह रहे हैं आप, हाँ जी यही है। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, सेवन फाइव थ्री सेवन एट फोर। तो सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आपने 3 दिन नहीं लिए, 5 दिन नहीं लिए, 8 दिन नहीं लिए, 10 दिन नहीं लिए, ये क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ जी हाँ जी जल्दी बताओ, ऐसा क्यों कि नहीं किया आपने? अच्छा शाजीब कह रहे हैं कि सर इनका एवरेज क्यों नहीं लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इनका एवरेज लेता तो क्या आप एक बात मानते हो, फिर आप ये कह रहे होते कि हर एक के अचीव होने के चांसेस इक्वल है? हाँ जी एवरेज का तो मतलब ये है ना कि मैंने हर एक के चांसेस इक्वल वाने पर, यहाँ पे मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ या वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। हाँ जी वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी की, यानी वो इंक्लूड करके कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का वेट इसके अंदर शामिल है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटीज के वेट को हटा दोगे तो जो आप आंसर लोगे वो सिर्फ एवरेज होगा। तो फिर आपने ये असेस कैसे किया कि कब कौन सी चीज कंप्लीट हो जाएगी? बात क्लियर है शाहजेब? अच्छा अब इससे पता है हुआ क्या है, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 20 दिन पहले भी कंप्लीट कर लिया, चलो 20 भी नहीं 21 दिन पहले, 18 दिन पहले, व्हाट सो एवर, तो आखिर में जाके रेवेन्यू तो एक्चुअलाइज हो ही जाएगा ना, बट इस पीरियड में जितना बुक होना चाहिए था वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, ऐसा है? बकाया तो एस्टिमेट का चेंज है, वो तो आगे जाके चेंज हो जाएगा, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है, ऐसा है जानी? ऐसा है बच्चों? ऐसा है भाई? चलें अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सबसे पहले एक चीज निकालने आती है वो क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट, रेवेन्यू रख दिया मैंने 753784। हाँ भाई सीटीडी कितनी है भाईजान, 1.50, और एफईसी कितनी है, 165600। हाँ भाई ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ऑनरस तो नहीं है, पहले तो ये चेक करना होता है हमें, जल्दी बताओ क्या ओवरऑल बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस तो नहीं है, 438184।
ओके, आप सब कह रहे हैं कि ये ऑनर्स नहीं है, सही है भाई? ये आ गया ओवरऑल प्रॉफिट। मुझे बताओ क्या ये अभी रिकॉर्ड कर लूँ, पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, या जितना काम हुआ उतना, जितना काम हुआ है? वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं, आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं? आपने कहा भाई कॉस्ट टू डेट 1.50 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। हाँ भाई, टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, अमाउंट वाइज बताएं? 315,600। गलत, 315,600 है ना, 315,600 ऐसा ही है। अच्छा जी, तो परसेंटेज कंप्लीशन आपकी आ रही है 47.5। ओके गुड। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं ये 47.5 पे ये हिसाब किताब लगा दूं, ये वाला, तो आप कह रहे हैं कि आपका एज एट पीएनएल के अंदर सेल्स कितने से बुक होनी चाहिए? हाँ जी भाईजान, कितने से बुक होनी चाहिए? आप कह रहे हैं 358,273। ओके, 358,273। और सीओजीएस, सीओजीएस यही 1.50 आएगी। और प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया? 208,273, 208,273। अच्छा मुझे एक बात बताते हैं कि इस रेवेन्यू के अंदर क्या वेरिएबल कंसिडरेशन का भी पोर्शन है? हाँ जी मेरे बच्चों बताओ, इस रेवेन्यू के अंदर क्या वेरिएबल कंसिडरेशन का भी पोर्शन है? पक्की बात है, एग्री कर रहे हो, एग्री कर रहे हो? अच्छा तो मकसद भी यही था ना, मकसद भी यही था ना कि जिस पीरियड में होना चाहिए उस पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए, बट ओनली इफ इट इज वर्चुअली सेटिंग, ओनली इफ इट इज वर्चुअली सेट इन। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात और लॉजिक समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये था वेरिएबल कंसिडर। अच्छा अब देखो, ये तो मेरी इलस्ट्रेशन थी ना, इसको कॉपी करके भी क्या कर लोगे, इतनी लेंदी है। आप एक काम करें, यही मैंने की हुई थी यहाँ पे, एग्जैक्टली 208,273 यही आया हुआ है। अब खाली आप एक काम करें, ये मुझे पास पेपर करके दिखाएं जल्दी से। पहले पहला पार्ट करेंगे हम, हाँ पहले पहला पार्ट करेंगे, जल्दी पहला पार्ट करके दिखाओ। विजिबल है सबको स्क्रीन पे? हाँ ओके गुड, चलें करें जल्दी से। यस ब्रो, क्या हुआ, वाली नथ फोन ने कर दिया? पर जीआईएस अप्रूव किया या पेस? पेस, हाँ पेस, नहीं पेस कैसे करेगा मेरी पे? हाँ मेरे रिप्लाई में लिखा है, नहीं तो मेरे रिप्लाई में इसने लिखा ना, तो उसने लिंक नहीं देखा होगा, मेरा ऊपर था ना, मुझे लिंक रिप्रोड्यूस करना चाहिए था, तो जीआईएस में देख लेना तू। हाँ चलिए अब, ये क्या आरएफ पर है? तो तूने मैप कर लिया? अरे अली मैरी, मैपिंग कर ली तूने? जो उसने शेड्यूल्स दिए हैं वो एफएस में आ रहे हैं सारे सारे, एक एक एग्रीमेंट्स को मैप कर लेना, ये फाइनेंसिंग में। किसमें, रनिंग फाइनेंस में? नहीं रनिंग फाइनेंस में वो नहीं होता ना, वो होता है रोल फॉरवर्ड होता है ना जानी। हाँ तो हो जाता है, सही है। हाँ
तो पहले एक काम करना, देख पहले तो वो कर ले जो हुआ वहाँ पे, तो सवालात है ना तुम्हारे, जो शेड्यूल्स है ना वो तुम्हारे कंप्लीटेड होने चाहिए। फिर क्या बात कर रहा है यार, मैंने खुद देखे हैं तुम्हें, असल में तो ये रिव्यू कराना है ना मुझे एग्रीमेंट की, मैं तो बाद में देखूंगा वो, तो पहले तुम एनालाइज कर लो ना कि क्या हुआ है पिछले साल से, समझ रहे हो, ये काम कर तू, और उसमें लिखते रहो पूरी कि भाई 40, देखो बच्चे का अपन ने जो आरओयू निकाला ना, तो उस आरओयू पे बच्चों को बताओ कि भाई ये राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में आपने ये लिखना है कि भाई ये जो 63 न्यू लीजेज हमने आइडेंटिफाई की हैं, हाँ तो ये रीजनिंग होनी चाहिए। पर्सनली मैसेज कर दे और उसको बोल सर पेज भी आपके पास है, वो भी अप्रूव कर दे। आ जानी हो गया, पहला पार्ट यार तुमसे हो जाना चाहिए पहला पार्ट। ईमान कह रही है डन हो गया जी, बाकी बच्चे प्रताप कह रहे हैं डन हो गया जी, ओके okay। बाकियों से भी हो गया, डन ओके जी। अच्छा पहला पहला पहले मुझे एक बात बताओ, पहले वाले केस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, ऐसा है? अच्छा आप इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, बोला पहली अक्टूबर को कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर ₹50 मिलियन एंड अ बोनस ऑफ ₹10 मिलियन इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर 2019। तो ये बोनस की उसने बात की हुई है यहाँ पे, तो ये कौन सी कंसिडरेशन हो गई भाईजान? हाँ भाई आप कह रहे हैं सर ये हो गई वेरिएबल कंसिडरेशन, सही है गुड। आगे सुनिएगा, फिर हम कह रहे हैं कि टिल 30 जून 2019, अच्छा इसमें ईयर एंड हमारा 30 जून है 19 और 20, सही है? वो कह रहा है 30 जून 2019 तक, यानी मैं कहूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 महीने की बात हो रही है। केसीएल एक्सपेक्टेड दैट द बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹40 मिलियन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम नजूमी तो नहीं ना कि हमें आगे का बताओ, पर आज जो मैं 19 में एंटिसिपेट कर रहा था तो ये कर रहा था कि ये मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, ऐसा है? 19 में ये सोच रहा था मैं कि टारगेट अचीव कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या मैंने वेरिएबल कंसिडरेशन को अपनी टोटल कंसिडरेशन का ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट बनाया होगा? हाँ जी मेरे बच्चों, दुआ कह रही है यस, विश्वा कह रही है यस, कोमल स्नेहा प्रताप सब कह रहे हैं यस, चले ओके सही कह रहे हैं आप। हाउएवर ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस एंड टाइम इन्वॉल्व रेगुलेटरी अप्रूवल्स बिल्डिंग वॉज कम्प्लीट ऑन 28 फेब 2020। अच्छा पहले तो ये देख लो कि 28 फेब 2020 जो है वो क्या ऑल टुगेदर आपके सामने स्टिपुलेटेड टाइम के आगे, हाँ जी स्टिपुलेटेड टाइम के आगे, तो अगर बच्चों स्टिपुलेटेड टाइम के आगे है तो ये मसला हो गया, और हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 42 मिलियन है, ऑफ विच 226 मिलियन वॉज इंकर्ड टिल 30 जून 2019। तो अच्छा कॉस्ट भी चेंज हो गई, ऐसा ही है क्योंकि ऐसी बात है हमारे एस्टिमेट चेंज होते हैं। तो मुझे बताओ अगर मैंने 2019 की कहानी करनी है सिर्फ, अच्छा 30 जून 2019 की बात हो रही है, सही है 30 जून 2019 की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू कितना रखूँ मेरे बच्चों? हाँ जी रेवेन्यू कितना? 60 मिलियन, गुड यार। सी टी डी कितना? सी टी डी कितना?
26 मिलियन। अच्छा FEC कितना? अच्छा FEC जो आप करेंगे तो वो 40 में से माइनस करेंगे 26, ऐसे ही किया है? वेरी गुड। तो कितना आ रहा है ये रिमेनिंग, कितना आ रहा है? 14। अच्छा ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 20 का। अच्छा क्या इस प्रॉफिट में उस वाली वेरिएबल कंसिडरेशन पे भी प्रॉफिट शामिल है? उस वाली वेरिएबल कंसिडरेशन में प्रॉफिट शामिल है। वेरी गुड। तो आपने कहा आप एक काम करें ना सर, अब तो हम जीते हो चुके हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो 2019 का है वो बता दे कितना आ रहा है। 2019 का कितना आ रहा है? ये आ गया सर 65%। सही जी। ओके तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं एजेड का पीएनएल बनाऊं तो एजेड के पीएनएल में 2019 में सेल्स कितनी रिकॉर्ड करूं? 39 की। सीयूजीएस सर 26 मिलियन का, और प्रॉफिट आपका? हाँ जी 13 मिलियन। ये हिसाब किताब आ गया आपका, सही है। ये हो गया 2019 का पीएनएल। अच्छा अब मैं जब 2020 में जाऊंगा एजेड में, सही जी ये एजेड बन रहा है। अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि फॉर द ईयर भी इसका क्या होगा? सेम होगा क्योंकि पहला ही साल है ना। चलें अब हमने कहा कि भाई जब मैं 2020 में आया तो मुझे लगता है कि मुझे ओवरऑल रेवेन्यू 50 रखना चाहिए। अच्छा 50 क्यों? 50 क्यों भाईजान? हाँ जी प्लीज बताएं 50 क्यों? क्योंकि सर अब आपने, हाँ एस्टिमेट चेंज हो गया। वेरी गुड। चलें अब मुझे तो क्या मैंने गलती की थी पीछे, क्या रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करूं? हाँ भाई क्या रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करूं? नो सर, आपने अंदाजा चेंज किया है ना भाई। ओके तो आपने कहा कि अब जो कॉस्ट टू डेट है मेरी वो 42 मिलियन हो गई, FEC 0 हो गई, तो आपके पास ऑल टुगेदर जो प्रॉफिट बच गया वो 8 मिलियन का बच गया। अच्छा जल्दी बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है? जल्दी बताओ। नो, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स तब होता है जब वो ओवरऑल लॉस में आ जाए, ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताएं भाई, 2020 में मेरा जो SOC है वो कितना प्रतिशत हो गया भाई? 100% हो गया, ऐसा ही है 100% हो गया। अच्छा अब मैंने कहा कि भाई मुझे रेवेन्यू आज तक 50 मिलियन का बुक कर लेना चाहिए, COGS आज तक 42 मिलियन की बुक कर लेनी चाहिए, और आज तक मुझे जो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वो 8 मिलियन का होना चाहिए आज तक। पर सवाल यह है कि अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूं तो फॉर द ईयर में मेरे बच्चों आपने सेल्स कितनी दिखानी है? 50 और 39 का डिफरेंस लें 11 मिलियन। हाँ भाई COGS कितनी आ रही है? 16। तो आपका जो भाईजान लॉस है वो कितना आ रहा है? ये क्या बात हुई, लॉस क्यों? हाँ जी लॉस क्यों? हाँ जी लॉस इसलिए ना क्योंकि आपने ज्यादा प्रॉफिट बुक किया हुआ था, अब वो फॉर द ईयर में आपका लॉस आएगा तो आप कुल मिला के, वेरी गुड, नहीं कॉस्ट बढ़ेगा जो ऊपर से आपने एस्टीमेट गलत लिया था ना, रेवेन्यू बुक किया था लास्ट टाइम, अब वो रिवर्स हुआ था, ऐसी बात लॉस बुक होगा। पर क्या मैं कह सकता हूँ ये 5 का लॉस और पिछले साल में 13 का प्रॉफिट, नेट 8 हो गया, तो 8 का ही प्रॉफिट है मुझे, तो फॉर द ईयर में इतना बुक करूंगा क्योंकि पीएनएल फॉर द ईयर बनता है। क्या तुम लोगों ने सही किया था ये? हाँ जी वेरी गुड। चलें दूसरा केस, दूसरा केस मेरी जान, दूसरा केस
नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है स्नेहा। कॉस्ट जो ऑप्टेन भी होती तो वो भी तो अमोर्टाइज ही हो जाती ना। हाँ जी, दूसरा मार देना इसको, पोपट होगा, पोपट। किधर? वो आ जाए ना तो इसको बोलते हैं ना, नीचे कोई बैठा नहीं होना उसके घर में, नीचे कोई फैमिली वगैरह नहीं बैठी हो ना, नहीं बाहर भी हो सकते हैं। फिर भी पूछ लेते हैं ना एक बार, रुकिए मैं बुला देता हूँ उसको ना मैसेज करके। हाँ अबे नहीं, कोई फैमिली वगैरह नहीं है ना आगे पीछे रूम में, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी, डन हो गया। अभी फिर वो आ जाए ना तुम लोग, फिर तुम खाने चले जाना ना कुछ, अभी बुला देता हूँ मैसेज करके। मैच वो पूछ लेते हैं। चलें जी। अच्छा इसमें मुझे बताओ, 2019 में तुम लोगों ने कितना रेवेन्यू बुक किया? जल्दी बताओ, ये 2019 में तुम लोगों ने कितना रेवेन्यू बुक किया? हाँ जी बच्चों, 2019 में तुम लोगों ने कितना रेवेन्यू बुक किया? नहीं किया? जीरो। अच्छा क्यों नहीं किया, लॉजिक बता दो जरा। लॉजिक बता दो। पॉइंट इन टाइम है, ओके। तो मतलब आपने ये किया हुआ है, हाँ भाई, केस शू में सिर्फ ये हो जाएगा, यहाँ रेवेन्यू बुक हो जाएगा 8 का सीधा सीधा, ऐसा ही है। बेहतरीन हो गया जी। चलिए सर, यहाँ तो हमारा हो गया 15 खत्म। अच्छा आप इसके कुछ पास पेपर्स हैं, इसके कुछ पास पेपर्स हैं तो वो मैं शायद कल की क्लास में तुम्हें बुला के ना करवा देता हूँ, सही है, बकाया पास पेपर। या तुम ये कहते हो कि तुम वो बकाया कर लो, मैं तुम्हें वीडियो दे दूँ, दूसरे टॉपिक पे चलें, अप टू यू, जैसा बोलो। हाँ जी वीडियो दे दूँ, चलो डन है, वीडियो दे दूंगा उसकी, वो प्लीज कर लेना उसको। हाँ मैं रिकॉर्ड ही दे दूंगा, पर अब हम ये काम कर लेते हैं, हम अगली क्लास से ना, मैंने एक चीज सोची थी, अगली क्लास में हम कर लेते हैं इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कर लेते हैं, वो 3-4 क्लासों में हो जाएगा। हाँ कंसोल वाली प्रॉमिस दे देता हूँ इस मार्च, तो अगली क्लास में हम इंटेंजिबल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी 20 नंबर का आता है, 18, 15, 20 नंबर का ऐसे आता है सवाल वो, सही है। तो वो इंटेंजिबल करके फिर हम मूव हो जाएंगे डेफर्ड टैक्स पे, इसके बाद प्रॉमिस डेफर्ड टैक्स है ना, इसके बाद डेफर्ड टैक्स है, सही है। तो पहले वो कर लेते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाएगा, सेट है भाई, सही है, डन है, ओके। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।